भिंडी एक ऐसी सब्जी है जो बहुत जल्द बन के तैयार हो जाती है और इसे आप किसी भी वेरिएशन में ट्राई करें, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कश्यप्स किचन चैनल। आज हम बनाएंगे भिंडी फ्राई, जो कि बहुत कम इंग्रेडिएंट्स पे बन जाती है और बहुत जल्द तैयार भी हो जाती है। इसे बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता। ये आपके लंच बॉक्सेस के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है, तो इसे पूरा ज़रूर देखिए और पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसे बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम भिंडी ली है, जिसे मैंने क्वार्टर इंच में इस तरह से काट लिया है। पीसेस ना ज़्यादा बड़ा रखेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा छोटा। अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए एक पैन गरम किया है मैंने, इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल। जैसे ये अच्छा गर्म हो जाए, इसमें डालेंगे आधा छोटी चम्मच अजवाइन, आधा छोटी चम्मच कलौंजी और इसे आधे मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे मीडियम फ्लेम पर। मस्टर्ड ऑयल की जगह पर आप रेगुलर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो यहाँ पे देखिए मसाला भुन गया है। तो अब इसमें हम 2 हरी मिर्च डालेंगे, जिसे मैंने रफली चॉप किया है। इसके साथ ही 5 से 6 कली लहसुन को रफली चॉप करके ऐड कर दीजिए और इसे भी आधे मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लीजिए मीडियम फ्लेम पे। तो मिक्स कर लिया मैंने। अब इसमें हम 2 मीडियम साइज़ के प्याज को ऐड करेंगे, जिसे हमने पतले स्लाइसेस में काट लिया है और इसे हमें तब तक भुनना है जब तक इसका रंग हल्का गुलाबी ना हो जाए। तो 2 से 3 मिनट तक इसे लो टू मीडियम फ्लेम के बीच भूनिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज का रंग हल्का गुलाबी हो गया है। तो अब हम इसमें भिंडी ऐड कर देंगे और भिंडी के साथ ही जितने भी सूखे मसाले हमें ऐड करने हैं, इसी स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे नमक ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार, या फिर आधा छोटी चम्मच नमक इसमें जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और यहाँ पे ऐड किया है मैंने 1/2 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। अब इनको हमें तब तक भूनना है मीडियम फ्लेम पे जब तक कि भिंडी पूरी तरह से क्रिस्प ना हो जाए, और इसे बिल्कुल खुले आंच पे हमें पकाना है, कवर नहीं करेंगे। तो इसमें ये होगा कि भिंडी का कलर बिल्कुल हरा रहेगा, अगर आप उसे कवर कर देते हैं तो वो अपना कलर लूज़ कर देता है। तो यहाँ पर देखिए बीच बीच में चलाते हुए इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये पूरी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए, और आप देखेंगे कि ऊपर का लेयर इसका क्रिस्पी हो गया है। भिंडी भुनते के साथ ही प्याज भी हमारा क्रिस्पी हो जाएगा और बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। तो यहाँ पे भिंडी को भुनते हुए लगभग 7 मिनट हो गया है हमें, और यहाँ पे देखिए भिंडी बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी बना है ये। जैसे ही भिंडी पूरी तरह से पक जाए और क्रिस्पी हो जाए, तब हम इसमें नींबू का रस ऐड करेंगे। आधा नींबू का रस लिया है मैंने। नींबू के रस से इसका टेस्ट तो अच्छा आता ही है, आपकी भिंडी बहुत देर तक क्रिस्पी बनी रहेगी। इसलिए ये रेसिपी लंच बॉक्स के लिए बहुत अच्छी है, काफ़ी देर तक ये क्रिस्पी रहती है। और यहाँ पे आप सब्जी का टेक्सचर देख सकते हैं, काफ़ी क्रिस्पी है और प्याज भी हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन गया है और बिल्कुल क्रिस्पी हो गया है। तो रेसिपी तैयार है सर्व करने के लिए। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया मैंने और इसे सर्व कीजिए रोटी, पराठा या फिर पूरी के साथ। ये रेसिपी बहुत जल्द बनती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। मसाले सारे बेसिक हैं, जो आपके घर पे इजीली मिल जाएंगी। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिए। इसका इंग्रेडिएंट्स लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और साइड में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।